वेलकम बैक गाइस। अपना आज का जो सेशन है दैट इज प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस। देख के लगेगा सर दो ही सेक्शन है, सेक्शन 12 और सेक्शन 13। देख के लगेगा सर एक घंटे में हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं है बेटा। सेक्शन 12 में देर आर 14 सब सेक्शन, सेक्शन 13 में देर आर 13 सब सेक्शन, तो इन टोटालिटी अपने को 27 से 28 सेक्शन अपने को पढ़ना है। उसमें नोटिफिकेशन जो आएंगे, सर्कुलर जो आएंगे, वो तो अलग है बेटा। तो देख के ऐसा मत बोल देना कि सर दो ही सेक्शन है, बात खत्म। ना 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 बेटा, ऐसा नहीं होने वाला है। एक वार्निंग गाइस, एक चेतावनी, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन गाइस। तो आई वॉन्ट योर फुल अटेंशन फॉर दिस, ठीक है। मैं क्या करूंगा गाइस, ये चैप्टर को मैं पार्ट्स में आपको अपलोड करूंगा, मैं पार्ट्स में इसको डिवाइड करूंगा, बिकॉज आई डोंट वॉन्ट टू डू एंटायर 27 सबसेक्शन और मैं आपको बोल दूंगा ये लो पढ़ लो, ऐसा मजा नहीं आएगा। हम इसको सब डिवाइड करेंगे एंड विल डू अ सेट ऑफ सेक्शन, ठीक है। चलो पहले ये स्टार्ट करते गाइस, सेक्शन 12 की एप्लीकेबिलिटी क्या है और सेक्शन 13 कब पढ़ना है अपने को। एप्लीकेबिलिटी क्या है, वेरी सिंपल। सेक्शन 12 वो लोग बोलते हैं कि जब सप्लायर और रेसिपिएंट, व्हेन द लोकेशन ऑफ द सप्लायर एंड द लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट बोथ आर इन इंडिया। बेटा अगर दोनों इंडिया में है ना, मतलब इन कोलोकल टर्म्स आई कैन से दैट इट इज अ डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन। अगर दोनों इंडिया में है तो सेक्शन 12 अप्लाई करेंगे। दोनों में से एक भी बार है, दोनों में से एक भी बार है तो सेक्शन 13 अप्लाई कर देंगे। और दोनों बार हुआ तो सेक्शन 12 तो अप्लाई नहीं होगा, तो सेक्शन 13 अप्लाई कर दो। एप्लीकेबिलिटी एकदम सिंपल रखना बेटा। मैं सेक्शन 12 को इन सिंपल टर्म्स, इन अंडरस्टैंडिंग टर्म्स मैं बोल दूंगा डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन। डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन मतलब क्या, कि सप्लायर और रेसिपिएंट दोनों इंडिया में है। सेक्शन 13 जब बात करेंगे तो मैं बोलूंगा इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन, मतलब दोनों में से कोई एक तो बाहर रहेगा ही रहेगा। अच्छा, अब जब इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन की बात करेंगे, जब दोनों में से एक बाहर रहेगा, सो देर कैन बी सिनेरियो व्हेन द सप्लायर इज इन इंडिया, रेसिपिएंट इज आउटसाइड इंडिया। When the supplier is in India, recipient is outside India, मतलब हम यहां से उसको सर्विस दे रहे हैं, मतलब ये एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस हो सकता है। तो इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन में और आगे का सोच ही आएगा कि अगर हम यहां पे है, रेसिपियंट बाहर है, तो क्या ये एक्सपोर्ट हो गया। सेकेंड, अगर सप्लायर बाहर है और वो अपने को सर्विस दे रहा है, सप्लायर इज आउटसाइड इंडिया, वो अपने को सर्विस दे रहा है, तो हो सकता है रिवर्स चार्ज में अपने को टैक्स पे करना पड़े, इट इज एन इंपोर्ट ऑफ सर्विस। तो इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन में आगे अपने को क्या सोचना है कि सर क्या ये एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस है या क्या ये इंपोर्ट ऑफ सर्विस है, दैट इज अ फर्दर थिंकिंग ऑफ इट। सेक्शन 12 में अपना क्या पर्पस रहेगा, सेक्शन 12 में ये पर्पस तो नहीं होगा ना कि अब मैं बोलूं सप्लायर और रेसिपिएंट दोनों इंडिया में तो ये एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस होगा, तो ये इंपोर्ट ऑफ सर्विस होगा, नहीं यार। अपना सोल पर्पस क्या रहेगा, थॉट प्रोसेस क्या रहेगा, कि वेदर इट इज इंट्रा स्टेट सप्लाई, मतलब वेदर शुड आई चार्ज सी प्लस एसजीएसटी और शुड आई चार्ज इंटरस्टेट सप्लाई आईजीएसटी, यही तो होल पर्पस रहेगा। यस, तो सेक्शन 12 के लिए गाइस द होल पर्पस इज अबाउट क्रेडिट्स, ठीक है ना, ये माइंड में रख के चलना। देखो मैं क्या बोला हूं, मैं बोला सप्लायर और रेसिपिएंट, लेट अस एज्यूम दोनों महाराष्ट्र में, ठीक है, दोनों महाराष्ट्र में। अब इनवॉइस पे अपने को ये दोनों को देख के पता बोलना नहीं है सी प्लस एस लगेगा, अपने को क्या पता करना है प्लेस ऑफ सप्लाई। तो मैं बोलता हूं अगर प्लेस ऑफ सप्लाई बी अगर महाराष्ट्र हो गया, इफ द प्लेस ऑफ सप्लाई इज महाराष्ट्र, तो कहने से इनवॉइस पे सी प्लस एस चार्ज होगा। यस, अच्छा रेसिपिएंट को क्या सी प्लस एस का क्रेडिट मिल जाएगा, यस सर, कोई दिक्कत नहीं है रेसिपिएंट को, कोई दिक्कत नहीं है, इनवॉइस पे सी प्लस एस लग के आए तो। सर बाय एनी केस, इन एनी केस, अगर प्लेस ऑफ सप्लाई अदर स्टेट हो गया, आउटसाइड महाराष्ट्र, आउटसाइड महाराष्ट्र, तो सर आईजीएसटी चार्ज होगा। और सर अगर आईजीएसटी चार्ज होगा तो क्या ये महाराष्ट्र वाले को आईजीएसटी का क्रेडिट मिल जाएगा, यस सर, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आईजीएसटी में तो कोई दिक्कत नहीं है, क्रेडिट मिल जाएगा। सर इफ द सप्लायर इज ऑफ महाराष्ट्र,
एंड रेसिपिएंट बिलोंग्स टू गुजरात। सर सप्लायर महाराष्ट्र में, रेसिपिएंट गुजरात में है। तो सर अगर मैं बोलूं प्लेस ऑफ सप्लाई, इफ प्लेस ऑफ सप्लाई इज गुजरात, इफ द प्लेस ऑफ सप्लाई इज लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट, इफ द प्लेस ऑफ सप्लाई इज गुजरात, इन दैट केस इनवॉइस पे आईजीएसटी आएगा। यस, और आईजीएसटी आएगा तो क्या ये गुजरात वाले को इसका क्रेडिट मिल जाएगा? यस। सो इफ आई से प्लेस ऑफ सप्लाई इज गुजरात, जनरली मैं गुजरात बोला बिकॉज मैं इसको लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट से लिंक करवा रहा हूं। सो इफ आई से द प्लेस ऑफ सप्लाई इज लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट, तो रेसिपिएंट को कभी कोई दिक्कत नहीं होगी, उसको आईजीएसटी चार्ज होगा तो उसको क्रेडिट मिल जाएगा। सर अगर मैं बोलूं सप्लायर महाराष्ट्र में है, उसने प्लेस ऑफ सप्लाई जो हमने निकाला ना, प्लेस ऑफ सप्लाई सर ये भी महाराष्ट्र निकला और रेसिपिएंट गुजरात का है, तो सर इनवॉइस पे हम क्या चार्ज करेंगे? सी प्लस एस ऑफ महाराष्ट्र। तो क्या गुजरात वाले को ये सी प्लस एस ऑफ महाराष्ट्र का क्रेडिट मिल जाएगा क्या? सी प्लस एस ऑफ महाराष्ट्र नहीं। और ऐसे मत बोलना सर सीजीएसटी का तो क्रेडिट दे दो, मिलेगा तो पूरा क्रेडिट मिलेगा, आधा आधा कभी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इफ आई से, अब इसमें मुझे आप एक नेट कंक्लूजन ड्रॉ करो। ठीक है, ये दोनों को देख के मुझे नेट कंक्लूजन ड्रॉ करो। अगर रेसिपिएंट सेम स्टेट में है, उसको कुछ भी लग के आएगा ना, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो क्रेडिट मिल जाएगा, उसको कोई इश्यू नहीं है। विजुलाइज करके देखना बेटा, रेसिपिएंट जब दूसरे स्टेट में है, अब दूसरे स्टेट में अगर रेसिपिएंट है और अगर हम प्लेस ऑफ सप्लाई बोल दे लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट, मतलब गवर्नमेंट को क्या करना है, गवर्नमेंट को क्रेडिट देना है, गवर्नमेंट वॉन्ट्स टू गिव क्रेडिट, तो गवर्नमेंट क्या बोलेगा? प्लेस ऑफ सप्लाई इज लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट, इनवॉइस पे आईजीएसटी लगा दो, आईजीएसटी लग जाएगा तो क्रेडिट मिल जाएगा। व्हेनेवर गवर्नमेंट वॉन्ट्स टू गिव क्रेडिट, whenever government wants to give credit, they will say place of supply is location of recipient. मैं वापिस आपको समझाता हूं guys, understand this again with example guys. This is Maharashtra, ठीक है, you have a supplier in Maharashtra, this is Gujarat. अब अगर मैं बोलूं रेसिपिएंट इज इन गुजरात और अगर मैं बोल दूं प्लेस ऑफ सप्लाई इज लोकेशन ऑफ सप्लायर, प्लेस ऑफ सप्लाई यहां पे ही हो गया, तो इनवॉइस पे सी प्लस एस आएगा, इसको क्रेडिट नहीं मिलेगा। अगर गवर्नमेंट को कोई सर्विस के रिलेटेड क्रेडिट देना है, क्रेडिट देना है, तो गवर्नमेंट को क्या बोलना चाहिए कि प्लेस ऑफ सप्लाई शुड बी लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट। और अगर ये बोल दिया तो इनवॉइस पे क्या लग जाएगा? आईजीएसटी, और आईजीएसटी लग जाएगा तो फिर इसको क्रेडिट मिल जाएगा। सर अगर रेसिपिएंट सेम स्टेट में हुआ तो, सेम स्टेट में, अच्छा सेम स्टेट में हुआ और अगर मैं बोल दूं प्लेस ऑफ सप्लाई इज लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट, प्लेस ऑफ सप्लाई इज लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट, तो भी तो क्या रेसिपिएंट को क्रेडिट मिल जाएगा? यस, बिकॉज सेम स्टेट में है, मिल जाएगा, इनवॉइस पे सी प्लस एस लगेगा। ठीक है, बट गवर्नमेंट को क्रेडिट देना है तो गवर्नमेंट क्या बोलेगा? प्लेस ऑफ सप्लाई इज लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट। तो सेक्शन 12 जब हम डील करेंगे, व्हेन द सप्लायर एंड रेसिपिएंट बोथ आर इन इंडिया, तो अपने को सर्विस इसमें ना बाइफरकेशन करवाना पड़ेगा, और वो बाइफरकेशन एक पर्सपेक्टिव वो लोग का ऐसा रहेगा कि वो लोग को क्रेडिट देना है, एंड बिकॉज दे वांट टू गिव क्रेडिट, यहां पे जो प्लेस ऑफ सप्लाईज रहेंगे ना, दैट विल बी लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट। ठीक है, द पर्पस इज टू गिव क्रेडिट। ओके, सेकेंड केस गाइस आप ऐसे विजुअलाइज करो, वी हैव अ सप्लायर इन महाराष्ट्र, लेट सपोज ये जो सप्लायर है ये वर्ल्ड फेमस रेस्टोरेंट है,
ठीक है, इट्स अ वर्ल्ड फेमस रेस्टोरेंट, यहां से बहुत सारे जगह से लोग आते हैं खाना खाने के लिए, सिर्फ खाना खाने के लिए। यू नो द फूड इंडस्ट्री बेटा, अपने को पता है नाइट क्रेविंग्स, राइट? तो यहां से लोग महाराष्ट्र से भी आते रहेंगे, कई आउटसाइड द स्टेट से भी आते रहेंगे, ठीक है ना। तो यहां पे बहुत सारी जगह जगह से लोग आते हैं। अब ये रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइडर, अब गवर्नमेंट सोचेगा क्या मेरे को ये यहां पे क्या रेसिपिएंट को क्रेडिट देना है या मेरे को सप्लायर को एक स्टेग्नेंसी प्रिंसिपल लेके आना है। व्हाट इज द स्टेग्नेंसी प्रिंसिपल विच आई एम ट्राइंग टू से? अगर मैं बोलू गवर्नमेंट को क्रेडिट देना है तो फिर प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होना चाहिए, लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट। तो फिर अगर एक बंदा दिल्ली से आया, अगर एक बंदा गुजरात से आया, अगर एक बंदा राजस्थान से आया और क्रेडिट देना है, सपोज क्रेडिट देना है, तो इसको प्लेस ऑफ सप्लाई क्या बोलना पड़ेगा, लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट। तो ये रेसिपिएंट का क्या एड्रेस मांगने बैठेगा? अच्छा आप राजस्थान से हो, प्रूफ दिखाओ, शो मी योर पैन कार्ड, शो मी योर आधार कार्ड, एड्रेस प्रूफ वेरीफाई होगा फिर मैं आपको बैठने को दूंगा, ऐसा होगा क्या? नहीं। यहां पे द पर्पस इज नॉट टू गिव क्रेडिट टू द रेसिपिएंट, रेदर द पर्पस इज सप्लायर को टेंशन नहीं लेना है कि रेसिपिएंट कहां से भी आ जाए, सप्लायर को अपने इनवॉइस पे सी प्लस एसी लगाना है। सर अब ये कैसे होगा? तो गवर्नमेंट क्या बोल देगा, गवर्नमेंट का क्या इंटेंशन क्या है कि इसको स्टेग्नेंसी लेके आना, इसके इनवॉइस पे सिर्फ सी और एस लगना चाहिए, सी और एस लगना चाहिए मतलब प्लेस ऑफ सप्लाई हैज टू बी द लोकेशन ऑफ द रेस्टोरेंट। और अगर मैं प्लेस ऑफ सप्लाई भी लोकेशन ऑफ रेस्टोरेंट बोल दू, मतलब लोकेशन ऑफ द सप्लायर इन अ वे, इन दैट केस कहीं से भी आने दो ना यार, कहीं से भी आने दो, कोई फर्क नहीं गिरने वाला है, इनवॉइस पे सी प्लस एस लगेगा। सो इन डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन देर विल बी सम सर्विसेस इन विच गवर्नमेंट को ऐसा लगना है कि ये मेरे को सप्लायर को स्टेग्नेंसी लेके आना है, मेरे को रेसिपिएंट को क्रेडिट नहीं देना है, मेरे को सप्लायर को बोलना है कि तू इनवॉइस पे सी प्लस एस चार्ज करेगा। सर ये दिल्ली वाला जो है, ये गुजरात वाले जो है ना सर, ये एक कंपनी से है, कंपनी को बिलोंग कर रहे हैं। एंड आई एम सेइंग लेट्स अज्यूम कि इसका क्रेडिट इन लोग को चाहिए। सर इनका क्रेडिट इन लोग को चाहिए, बट इनका क्रेडिट मिल पाएगा नहीं मिल पाएगा, बिकॉज ये इनवॉइस पे क्या लगाने वाला है, सी प्लस एस, तो इसको क्रेडिट नहीं मिलेगा। बट गवर्नमेंट रेसिपिएंट के एंड से सोचने वाला ही नहीं है। You don't have to think from the recipient's end. You only and only have to think from the supplier's stagnancy point of view. इसका एक बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूं, जो शायद से आपने प्रैक्टिकल लाइफ में यह विजुअलाइज किया रहेगा, आपने फेस भी किया रहेगा। ये वी हैव लेट सपोज अ फाइव स्टार होटल, ठीक है, ताज लेंस, मुंबई महाराष्ट्र, ठीक है। अब यहां से तो ऑब्वियसली ना यार, लोग कहीं कहीं से आते रहेंगे, देयर विल बी कॉर्पोरेट बुकिंग ऑल्सो, नॉर्मल लोगों को नहीं पड़ेगा बेटा, कॉर्पोरेट बुकिंग्स रहेगी इसमें, यस। सो यू हैव एक्स लिमिटेड विच इज फ्रॉम दिल्ली, इनके एम्प्लॉइज यहां पे रह रहे हैं, इट्स दे हैव कमिंग फ्रॉम अ बिजनेस मीटिंग, होता है ना ऐसा, यस, सो दे हैव कम फ्रॉम अ बिजनेस मीटिंग। अब बिलिंग ना ये एम्प्लॉय कुछ नहीं करने वाला है, इट इज बिल टू द एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर डायरेक्टली पे कर देगा। तो ऐसा मत बोलना कि रीइंबर्समेंट भी हो रहा है, बिल भी जो बन रहा है, इनवॉइस जो बन रहा है, वो डायरेक्टली एक्स लिमिटेड के नाम पे बन रहा है। बट अपने को क्या सोचना है कि ये सप्लायर को स्टेग्नेंसी आ जाए, ये सप्लायर को स्टेग्नेंसी, यहां पर क्रेडिट देने का पर्पज नहीं है, यहां पर यह चाहिए कि ये बंदा कहीं से भी लोग आते रहेंगे, इनको स्टेग्नेंसी चाहिए, तो इनके लिए वो लोग बोलेंगे आप C प्लस S चार्ज करो इनवॉइस पे, द प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी लोकेशन ऑफ द होटल। तो लोग बेटा कहीं से भी आने दो ना, कहीं से भी, इनवॉइस पे C प्लस S होगा तो इसको क्रेडिट नहीं मिलेगा। ये बोलेगा कि सर ये तो टोटल मेरे बिजनेस एक्सपेंस है, इसका क्रेडिट तो मुझे मिलना चाहिए। गवर्नमेंट किसके एंड से सोच रहा है, सप्लायर के या रेसिपिएंट के? सप्लायर के, इसको क्रेडिट नहीं मिलेगा, मत आओ, नहीं देना ही नहीं है क्रेडिट।
हमें सप्लायर को स्टेगनेंसी लेके आना है यार। सप्लायर के यहाँ पे बहुत सारे स्मॉल बिजनेस आल्सो विल बी द पर्सन विल आल्सो बी गोइंग फॉर देयर ना। हो सकता है ना स्टे करने जाए, वेकेशन के लिए जाए, तो यहां पे सिर्फ कॉर्पोरेट बुकिंग्स थोड़ी ना होती रहेगी, बहुत सारे इंडिविजुअल्स भी तो आते रहेंगे। यस, तो मैं ये सप्लायर को ऐसे नहीं बोल सकता कि आप एवरी टाइम एड्रेस प्रूफ लो फिर ही आप इसको रूम दो। नो, देर विल बी सम सर्विसेस जहां पे थॉट प्रोसेस विल बी टू ब्रिंग द स्टेगनेंसी टू द सप्लायर। तो मैं यहां पे जब हम सेक्शन 12 डील करेंगे, तो सेक्शन 12 में जैसे मैंने बताया गया सेक्शन 14 सब प्रोविजन है। 14 सब प्रोविजन में द फर्स्ट सब प्रोविजन इज एप्लीकेबिलिटी ऑफ सेक्शन 12। और मैं जब एप्लीकेबिलिटी बोलू तो बोलो ना बेटा सेक्शन 12 कब एप्लीकेबल है, बोल दो एक बार बोल दो। सर जब सप्लायर, लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट बोथ आर इन इंडिया, बोथ आर इन इंडिया, तो सेक्शन 12 अप्लाई करेंगे। ये सब सेक्शन 1 बोलता है। खत्म। नेक्स्ट, मैंने इसको डिवाइड किया। अब देखो कैसे डिवाइड किया हुआ है। देर विल बी सम सर्विसेज जहां पे गवर्नमेंट को क्रेडिट देना है, गवर्नमेंट को क्रेडिट देना है, क्रेडिट देना है, तो वो लोग क्या बोलेंगे, प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट। सर ऐसे कौन कौन से सब प्रोविजंस है, तो 5, 2, 5, 7, 8, 9, 2, 5, 7, 8, 9, रिपीट करो बेटा, रिपीट करो एक बार, 2, 5, 7, 8, 9, वापिस वापिस, 2, 5, 7, 8, 9, सुनाई नहीं दिया, वापिस, 2, 5, 7, 8, 9। ये ना बेटा अपना कोड वर्ड हो जाएगा, दिस इज अ मैजिक नंबर। इतनी बार मैं आपको रिपीट कराऊंगा, इवन मोर देन 100 टाइम्स मैं आपको रिपीट कराऊंगा। यू हैव टू रिपीट इट बेटा, 2, 5, 7, 8, 9। ये पार्ट सर्विस को लेके गवर्नमेंट को लेना है कि चलो यार हम रेसिपिएंट को क्रेडिट दे दे, और रेसिपिएंट को क्रेडिट दे दे मतलब वो लोग क्या बोलेंगे, ये सर्विस को डिवाइड कर दो, प्लेस ऑफ सप्लाई को डिवाइड कर दो, वेदर इट इज बी टू बी सर्विस या बी टू सी सर्विस। और जहां पे भी बी टू बी रहेगा मतलब क्रेडिट देना है, क्रेडिट देना है मतलब प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट। बहुत सिंपल है बेटा, बहुत सिंपल है। नेक्स्ट सब सेक्शंस विल बी 3, 4, 6, 10, 3, 4, 6, 10, 3, 4, 6, 10। अपना ये क्या था कि क्रेडिट देना है तो कौन कौन से प्रोविजन से, 2, 5, 7, 8, 9, 2, 5, 7, 8, 9, तो बीच वाले कौन कौन से हो गए, 3, 4, 6 एंड 10। यहां पे द पर्पस इज टू ब्रिंग स्टेगनेंसी टू द सप्लायर। क्रेडिट के पर्सपेक्टिव से नहीं सोचना है, मतलब सर यहां पे हम बी टू बी बी टू सी नहीं करेंगे, हम सिंपल बोल देंगे आइदर इट माइट बी लोकेशन ऑफ द इमूवेबल प्रॉपर्टी और लोकेशन वेयर द इवेंट इज हेल्ड, समथिंग लाइक दैट। स्टेगनेंसी दे देंगे सप्लायर को। चलो सर, आपने बोला था 14 सब प्रोविजन है, फर्स्ट इज एप्लीकेबिलिटी, नेक्स्ट सेट ऑफ प्रोविजन इज 2, 5, 7, 8, 9, नेक्स्ट सेट ऑफ प्रोविजन इज 3, 4, 6, 10। अब बचे 4, 11, 12, 13, 14। ये मैं बोलूंगा ये 4 स्पेसिफाइड सेक्टर्स को डील किया हुआ है, शायद से बहुत बार सुनते भी रहोगे। एक है टेलीकॉम, बैंकिंग, इंश्योरेंस। टेलीकॉम, बैंकिंग, इंश्योरेंस, याद है आपको इनवॉइसिंग में भी इनके लिए थोड़े से डिफरेंट प्रोविजंस होते थे। सो टेलीकॉम, बैंकिंग, इंश्योरेंस, और लास्ट वन है एडवर्टाइजमेंट सर्विस टू गवर्नमेंट। यहां पे देयर इज अ मिक्सचर ऑफ बोथ, तो इसके लिए मैं इसको सब अदर सब डिवाइड कर रहा हूं 12, 11, 12, 13, 14। 4 स्पेसिफाइड सेक्टर्स को अलग से डील करेंगे। गाइस मैजिक नंबर बोलो फटाफट, मैजिक नंबर क्या है अपना, 2, 5, 7, 8, 9, 2, 5, 7, 8, 9। क्रेडिट देना है मतलब सर हम इनवॉइस पे मतलब सर हम ये सर्विसेज में डिवाइड करेंगे बी टू बी एंड बी टू सी। बी टू बी रहेगा तो लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट, बी टू सी रहेगा तो क्रेडिट की बात नहीं होगी, तो फिर हम कोई और प्लेस ऑफ सप्लाई बोल देंगे। चलो
लेट स्टार्ट विद द फर्स्ट प्रोविजन गाइस 12.1। पढ़ने की जरूरत नहीं है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। डन। LOS एंड LOR बोथ आर इन इंडिया। नाउ द पॉइंट हियर टू नोट इज, जब हमने नेचर ऑफ सप्लाई किया था गाइस, तो मैंने आपको बताया था कि लोकेशन ऑफ सप्लायर ऑफ गुड्स का कोई डेफिनेशन नहीं है, बट लोकेशन ऑफ सप्लायर ऑफ सर्विस का डेफिनेशन है, लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट ऑफ सर्विस का डेफिनेशन है। और वो डेफिनेशन क्या है गाइस, ये मैंने यहां पे मेंशन किया है। इट इज वेरी सिंपल गाइस, जस्ट लेट्स अंडरस्टैंड फ्रॉम द रेसिपिएंट। लेट्स अंडरस्टैंड फर्स्ट लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट ऑफ सर्विस। तो बोलते हैं वेयर अ सप्लाई इज रिसीव्ड एट अ प्लेस ऑफ बिजनेस फॉर विच रजिस्ट्रेशन हैज बीन ऑब्टेन। अगर मैं एक बंदे को सर्विस दे रहा हूं और उसने वो प्रीमाइस के लिए रजिस्ट्रेशन लिया हुआ है, तो रेसिपिएंट क्या हो जाएगा, लोकेशन ऑफ सच प्लेस ऑफ बिजनेस जहां पे उसने रजिस्ट्रेशन लिया है। अच्छा सर, वेयर अ सप्लाई इज रिसीव्ड एट अ प्लेस अदर देन द प्लेस ऑफ बिजनेस फॉर विच रजिस्ट्रेशन इज ऑब्टेन। मतलब रजिस्ट्रेशन कहीं और प्लेस के लिए लिया है, लेट सपोज गुजरात में उसके 2-3 प्रीमाइस है, उसने एक ही रजिस्ट्रेशन लिया हुआ है, बाकी के प्रीमाइस के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं लिया है, सिंगल रजिस्ट्रेशन है, तो सर प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी लोकेशन ऑफ सच फिक्स एस्टैब्लिशमेंट। या उसका और कोई ब्रांच भी है विच इज अदर द स्टेट विच इज प्रोवाइडिंग ओनली एग्जेम गुड्स और सर्विस, तो उसने रजिस्ट्रेशन नहीं लिया रहेगा, मैं वो ब्रांच को सर्विस दे रहा हूं, तो प्लेस ऑफ लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट विल बी वो फिक्स्ड एस्टैब्लिशमेंट। वेदर द सप्लाई इज रिसीव्ड एट मोर देन वन एस्टैब्लिशमेंट, वेदर द प्लेस ऑफ बिजनेस और फिक्स्ड एस्टैब्लिशमेंट, तो हमें वो देखना है कि लोकेशन ऑफ एस्टैब्लिशमेंट मोस्ट डायरेक्टली कंसर्न विद द रिसिप्ट। मेनी टाइम्स ऐसा होता है कि हम बहुत सारे एस्टैब्लिशमेंट्स को सर्विस दे रहे हैं ऑफ द वन एंटिटी, तो द वन हु इज मोस्ट कनेक्टेड विद दैट सर्विस हम उसको देंगे, प्लेस ऑफ लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट वो माना जाएगा। नेक्स्ट, इन एब्सेंस ऑफ दैट, लोकेशन ऑफ द यूजुअल प्लेस ऑफ रेसिडेंस ऑफ द रेसिपिएंट, दे आर नॉट गोइंग टू ट्रिगर क्वेश्चन ऑन दिस गाइस, बस एक बार आप पढ़ लोगे दैट इज इनफ। याद रखना पहला रजिस्ट्रेशन का पॉइंट है, अगर रजिस्ट्रेशन नहीं है कोई फिक्स एस्टैब्लिशमेंट है तो वो रहेगा, अगर वो भी नहीं है मल्टीपल है तो जो मोस्ट डायरेक्टली कंसर्न है उसको रहेगा, और अगर वो भी नहीं है तो यूजुअल प्लेस ऑफ रेसिडेंस। द सिमिलर प्रिंसिपल इज फॉर लोकेशन ऑफ सप्लायर ऑफ सर्विस। आई गेस ये आप पढ़ सकते हो, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हो जाएगा। चलो नेक्स्ट, वी स्टार्ट विथ 12.2 गाइस, 12.2 रेडियो, 12.2 द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस एक्सेप्ट द सर्विस स्पेसिफाइड इन सबसेक्शन 3-14। इसका क्या रिलेवेंस है बोलो, अगर आप विजुलाइज करके बोल रहे हो तो आप मुझे बताओ क्या यहां पे कोई स्पेसिफिक सर्विस को ट्रिगर किया गया है, नहीं, रेदर इट्स अ रेसिडुअल प्रोविजन। उन्होंने बोला है कि अगर ये सेक्शन 3-14 में कवर नहीं हो रहा है तो उन सर्विसेज का प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, मतलब कहने से दिस इज जनरल, दिस इज रेसिडुअल, पहले बाकी सब चेक कर लो, 3-14 चेक कर लो, वहां पे फॉल नहीं हो रहा है तो 12.2 में डाल दो। एक सिंपल एग्जांपल बोलूं तो सीए सर्विस, सीए सर्विस विल फॉल अंडर 12.2। अच्छा सीए सर्विस के लिए क्या थॉट प्रोसेस रहेगा गवर्नमेंट का, सर क्रेडिट देना है रेसिपिएंट, क्लाइंट को क्रेडिट देना है तो ये B2B B2C करेंगे। इफ इट इज मेड टू अ रजिस्टर्ड पर्सन इट विल बी लोकेशन ऑफ सच पर्सन, सच पर्सन मतलब रेसिपिएंट। इफ इट इज मेड टू अ पर्सन अदर देन द रजिस्टर्ड पर्सन, मतलब सर एक सीए का जो क्लाइंट है दैट मींस दैट कैन बी एन इंडिविजुअल ऑल्सो, यस सैलरीड पर्सन ऑल्सो, यस इट शैल बी द लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट वेयर द एड्रेस ऑन रिकॉर्ड एग्जिस्ट। वो लोग क्या बोल रहे हैं कि सप्लायर के पास क्या वो क्लाइंट का, क्या वो इंडिविजुअल का कोई एड्रेस रहेगा अपने बुक्स में, यस yes, हो सकता है उसके बुक्स में एड्रेस है, और अगर वो एड्रेस है तो वो प्लेस ऑफ सप्लाई मान लो, अगर वो नहीं है, इफ इट इज नॉट देयर देन लोकेशन ऑफ सप्लायर ऑफ सर्विस। अच्छा एनीवेज आप ऐसे मत सोचना कि सर फिर क्रेडिट नहीं मिलेगा, ऐसे भी ये अदर देन रजिस्टर्ड पर्सन है तो क्रेडिट की बात तो होगी नहीं, ठीक है, लोकेशन ऑफ सप्लायर देख के ऐसे मत बोलना कि सर क्रेडिट नहीं दिया, क्रेडिट की बात देनी ही नहीं है, बोलनी ही नहीं अपने को। सो इफ इट इज अ B2C सप्लाई
आपके बुक्स में, आपके रिकॉर्ड्स में क्या रेसिपिएंट का एड्रेस है, तो दैट इज अ प्लेस ऑफ सप्लाई। अगर वो नहीं है, इन दैट केस इट इज लोकेशन ऑफ सप्लायर ऑफ सर्विस। This I want you to self-read. It is pretty simple. Address on record को define किया हुआ है, it's self-explanatory guys. चलो simple सा bifurcation, B2B, B2C. B2B है credit देना है LOR, B2C B2C में इफ द एड्रेस ऑन रिकॉर्ड एग्जिस्ट तो वो एड्रेस लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट हो जाएगा, इफ द एड्रेस ऑन रिकॉर्ड डज नॉट एग्जिस्ट लोकेशन ऑफ सप्लायर। सिंपल। अच्छा नेक्स्ट गाइस, यहां पे ना मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स कवर किए हैं फ्रॉम द स्टडी मॉडल, फ्रॉम वेरियस सोर्सेज ऑल्सो। व्हाट आई वॉन्ट इज यू डोंट लुक एट द सोल्यूशन, ठीक है ना, सोल्यूशन को मत देखना, आप क्वेश्चन पढ़ के आप ट्राई करो। ओके ना बेटा, यू आर रॉन्ग, यहां पे ही तो गलत हो रहा है, चलेगा बेटा, तो ये आप ट्राई करना पहले और फिर सॉल्यूशन देखो और मजा आएगा बेटा। अब ना मजा आएगा, अब क्या होगा ना, ये पूरा जब हो जाएगा ना तो आप क्या करोगे बेटा, डेली बेसिस पे आप बोलोगे चलो मुझे ना रेस्टोरेंट से खाना मंगाना है, फिर आप बोलोगे अच्छा रेस्टोरेंट से खाना मंगाया तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा रेस्टोरेंट का। आप डेली बेसिस पे ऐसे डील करोगे, मैं ना एक मूवी देखने गया, अच्छा मूवी देखने गया तो उसका प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, डील करोगे आप। एंड थ्रू दिस आप 10 दिन 15 दिन के लिए ये एक प्रोसेस में आप डाल दोगे ना कि भाई मेरे को एवरी सप्लायर के लिए मेरे को प्लेस ऑफ सप्लाई सोचना है, तो ये चैप्टर ना लास्ट में पढ़ने की तो आपको जरूरत भी नहीं रहेगी। इट इज अपॉन यू। चलो सो लेट्स लुक एट द एग्जांपल गाइस। फर्स्ट, Mr. A, a chartered accountant registered in New Delhi, makes a supply of service to his client. Mr. B of Noida, UP, registered in UP. अच्छा, ये examples में guys always अपना thought process क्या होना चाहिए ना, ठीक है हम for the timing तो 12-2 कर रहे हैं, मतलब ये 12-2 के ही examples होंगे, ठीक है, और कह के तो examples ही होंगे, but think about it, पूरा 12 हो जाएगा, पूरा 13 हो जाएगा, उसके बाद अगर मैं कुछ example दूं तो मेरे को कैसे थॉट प्रोसेस करना है, तो पहले आपको क्या करना है, पहले फाइंड आउट करो लोकेशन ऑफ सप्लायर। दिस इज हाउ योर आंसर शुड लुक लाइक, यू हैव टू राइट लोकेशन ऑफ सप्लायर, लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट, नेचर ऑफ सर्विस, और जब लोकेशन ऑफ सप्लायर और ये लिखोगे ना तो आप बोलोगे लेट्स फर्स्ट एग्जांपल में न्यू दिल्ली रजिस्टर्ड पर्सन, यूपी रजिस्टर्ड पर्सन, सीए सर्विस विच विल गो फॉर 12-2, तो प्लेस ऑफ सप्लाई 12-2, B2B, LOR, यूपी। और ये एक बार लिख दिया मतलब खत्म ना, सप्लायर supplier New Delhi, place of supply UP, therefore nature of supply is बोलो nature of supply intrastate या interstate, interstate ये आप कैसे बोल रहे हो, ये interstate है, कोई section बोल सकता है, बोलो interstate कहां से आया, सेक्शन 7, सेक्शन 7 में सब प्रोविजन प्लीज, सेक्शन 7(3) सर ये सब प्रोविजन याद रखना इंपॉर्टेंट है, यस। चलो एवरी टाइम ये आपका फॉर्मेट होना चाहिए, एग्जाम में ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कहीं पे भी आप बोल रहे हो ना ये इंट्रास्टेट सप्लाई है या इंटरस्टेट सप्लाई है, यू हैव टू मेंशन कि कौन से सेक्शन से आया,
कौन से सबसेक्शन से आया। यू हैव टू मेंशन दैट, यू हैव टू मेंशन दैट, मैंडेटरी। चलो नेक्स्ट, मिस्टर ए अ बार्बर इन हरियाणा, रजिस्टर्ड ऑब्वियसली, provides hair cutting service to his client Mr. C, who is a resident of New Delhi but is not registered under GST Act. Or I am saying that ये 3 to 14 में cover नहीं हो रहा है, let's assume, ठीक है। तो सर इसका प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, B2C सप्लाई है तो एड्रेस ऑन रिकॉर्ड। सर एड्रेस ऑन रिकॉर्ड एग्जिस्ट, अगर यस, अगर यस तो वो हो जाएगा न्यू दिल्ली, और इफ द एड्रेस ऑन रिकॉर्ड इज नॉट, डज नॉट एग्जिस्ट, इन दैट केस इट इज लोकेशन ऑफ सप्लायर। डन, 12-2 वी आर डन गाइस। चलो गाइस द नेक्स्ट सब प्रोविजन इज 12-5। हम क्या करेंगे गाइस, हम 2, 5, 7, 8, 9 पहले ये कर देंगे तो अपना माइंड प्रोसेस, अपना थॉट प्रोसेस बेसिकली वो ही चलेगा, क्रेडिट देना है, दैट इज द होल पर्पस, राइट। ओके, सो 12-5 में कौन सी सर्विस को कवर किया हुआ है, द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस इन रिलेशन टू ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल सर्विस। अगर लेट सपोज आई एम अ कॉर्पोरेट ट्रेनर, ठीक है, एक कंपनी आती है मेरे पास और बोलता है कि एम्प्लॉइज को जीएसटी सिखा दो, राइट। देर आर कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स, देर आर परफॉर्मेंस अप्रेजल सर्विस। परफॉर्मेंस अप्रेजल सर्विस क्या होती है, बेसिकली जो जनरली इट हैपन्स फॉर द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी, ठीक है। अब लेट सपोज देर आर मेनी डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी, और कौन से डायरेक्टर को प्रमोट करना है, कितना बोनस देना है, तो उसके लिए परफॉर्मेंस अप्रेजल सर्विस होती रहेगी, विच इज अनबायस्ड बेसिकली। सो द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस इन रिलेशन टू द ट्रेनिंग एंड द परफॉर्मेंस अप्रेजल सर्विस। अच्छा, ट्रेनिंग, कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स, मुझे बोलो ना क्या ये बिजनेस एक्सपेंस है, यस, इसका क्रेडिट मिलना चाहिए, यस। परफॉर्मेंस अप्रेजल सर्विस, क्या ये बिजनेस एक्सपेंस है, यस, इसका क्रेडिट मिलना चाहिए, यस। इन दैट सेंस वो लोग बोल रहे कि यार इसका क्रेडिट देना है, और क्रेडिट देना है तो अगर B2B हो गया, इफ इट इज प्रोवाइडेड टू रजिस्टर्ड पर्सन, प्लेस ऑफ सप्लाई इज LOR। इफ इट इज प्रोवाइडेड टू अ पर्सन अदर देन रजिस्टर्ड पर्सन, मतलब क्रेडिट की कोई बात नहीं आएगी, तो फिर हम सिर्फ प्लेस ऑफ सप्लाई क्या बोलेंगे, वेयर द सर्विस आर एक्चुअली परफॉर्म, जहां पे परफॉर्म कर दिया ना बेटा, दैट इज अ प्लेस ऑफ सप्लाई। बट पहले क्या डिवाइड करना है, हमें पहले क्या देखना है ये केस में, कि ये B2B है या नहीं है। अगर ये B2B है, अगर ये B2B है, फिर उसने सर्विस कहीं पे भी देने दो, डजंट मैटर, द प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी LOR। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इजिली मिस्ड बाय द स्टूडेंट्स। चलो फिर मैंने यहां पे एक पॉइंट लिखा है, रेसिपिएंट हियर बीइंग द पेयर ऑफ द कंसिडरेशन। क्या होता है ना कि लेट सपोज इफ आई एम अ कॉर्पोरेट एम्प्लॉय, कॉर्पोरेट ट्रेनर, ठीक है, मेरे पास एक कंपनी आती है और कंपनी बोलती है ये 10 एम्प्लॉयज है, इनको आप ट्रेनिंग दो। तो मैं ट्रेनिंग किसको दे रहा हूं, टू द एम्प्लॉयज ऑफ द कंपनी, बट दे आर नॉट पेइंग मी कंसिडरेशन फॉर मी। मेरे पास रेसिपिएंट कौन है, रेसिपिएंट विल बी द वन हु इज पेइंग द कंसिडरेशन। So recipient here being the payer of the consideration, and it is not to be misconstrued as the trainee or the person appraised. Employee ko confuse mat kar dena, aisa mat bolna B2C supply ho gaya na, ye B2B hi hai. For example, staff of a CA firm are sent for training, the recipient of the service here is a CA firm and not the staff. Simple hai ye, shayad se aapne jab recipient ka definition kiya tha, वो टाइम पे हमने किया था कि अगर कंसिडरेशन इन्वॉल्व है तो जो कंसिडरेशन पे कर रहा है उसे रेसिपिएंट माना जाएगा। वेरी सिंपल। चलो लेट्स लुक एट द एग्जांपल गाइस। एक्स कंपनी लोकेटेड इन जयपुर हायर्स वाई पर्सन, सो रेसिपिएंट इज इन जयपुर, हायर्स वाई पर्सन लोकेटेड इन मुंबई फॉर परफॉर्मेंस, फॉर अप्रेजल परफॉर्मेंस ऑफ सीनियर एम्प्लॉय। वाई पर्सन विजिट्स जयपुर टू इवेल्युएट द परफॉर्मेंस। Second case is some of the selected employees and the connected papers are sent to the Mumbai office for evaluation. एक केस है कि वो वहां पे जयपुर में जाके ये सर्विस दे रहा है। Second case है उसके यहां पे employees आ रहा है और वो वहां पे दे रहा है। Will it make any difference? नहीं। क्यों नहीं? Because ये B2B है। We are assuming X company is a registered person, ना? तो ये B2B है। In that case, place of supply is LOR. LOR is जयपुर, दोनों केस में जयपुर। सेकेंड, इफ मिस्टर ए अ रेसिडेंट ऑफ बेंगलोर कंडक्ट ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉयज ऑफ सॉफ्टवेयर लिमिटेड, अ कंपनी बेस्ड आउट ऑफ न्यू दिल्ली, इन अ शिमला रिसोर्ट लोकेटेड इन शिमला,
बेटा किसको वो सर्विस दे रहा है? सॉफ्टवेयर लिमिटेड, बी टू बी है। सॉफ्ट कहां पे दे रहा है? शिमला में दे रहा है। डजंट मैटर सर, बी टू बी है। एलओआर मतलब न्यू दिल्ली, सिंपल। डीओ कंसल्टेंट्स इंपार्ट जीएसटी 22 अकाउंट्स एंड फाइनेंस पर्सनल ऑफ सन सीमेंट लिमिटेड एट द कंपनीज कोलकाता ऑफिस, बी टू बी, यस। Place of supply will be Assam. Second, Mr. Suresh, unregistered person, signs up with excellent linguistics for training on English speaking at the New Delhi Center. Can I say this is B2C? Yes. Or B2C matlab service kahan pe di hai? Service di hai New Delhi mein. Place of supply will be New Delhi. XYZ Limited of Delhi has entered into a contract with ASL Training Limited of Mumbai for training and performance appraisal of the employee. The service are performed at Dehradun Center. Of ASL Limited. Determine place of supply is XYZ is registered in Delhi. If it is registered in Delhi, the place of supply will be LOR, which is Delhi. What would be your answer if XYZ is an unregistered person? If it is unregistered person, then the place of supply is the service where it is provided, Dehradun. ठीक है, चलो next. This is for your practice, guys. यहां पे आपको क्या लिखना है? First आपको place of supply लिखना है और उसके बाद nature of supply लिखना है कि ये intrastate होगा या interstate होगा. कौन से सबसेक्शन से आएगा वो भी लिखना है. सी प्लस एस आएगा, आईजीएसटी आएगा, वो भी लिखना है. सॉल्व दिस गाइस. तो बेटा अपना दो हो गया, वी डन विद टू, 12-2 रेसिड्यूअल, 12-5 ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल. नेक्स्ट 12-7 इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एन इवेंट एंड स्पॉन्सरशिप्स ऑफ एन इवेंट. The place of supply of service provided by way of organization of a cultural, artistic, sporting, scientific, educational, entertainment event, including supply of service in relation to the conference, fair, exhibition, celebration or similar events, or service ancillary to the organization of the event, or assigning of sponsorships. Guys, they are targeting two things basically. One, organization of event. What is organization of event? Let's suppose एक company है, उसको एक event organize करनी है. अब event organize करनी है तो वो एक event manager को hire करेंगे और बोलेंगे कि इसके related आपकी जो service है, जो event organize की service है, वो आप करके दो. वो event organizer basically क्या करेगा? He will arrange for the place, basically पंडाल कुछ बांधेगा, lights की arrangement रहेगी, sound system रहेगा, कुछ डेकोरेशंस रहेंगे, तो ये सब वो पूरा ऑर्गेनाइज करके देंगे आपको. तो इवेंट मैनेजर की सर्विस को यहां पे टारगेट किया हुआ है. अच्छा, इवेंट मैनेजर की सर्विसेज जनरली इट कैन बी हायर्ड बाय कंपनीज आल्सो, इट कैन बी हायर्ड बाय इंडिविजुअल्स आल्सो. इफ इट इज हायर्ड बाय अ कंपनी, जैसे एनुअल फंक्शन हेल्ड करना है या कोई भी और इवेंट्स है जिनको ऑर्गेनाइज करनी है, इन दैट केस कहीं ऐसे कंपनी को क्रेडिट मिलना चाहिए. यस सर, मिलना चाहिए. इट्स अ बिजनेस एक्सपेंस और क्रेडिट मिलना चाहिए, मतलब इसका बी टू बी, बी टू सी होना चाहिए. यस. अगर मैं बोला स्पॉन्सरशिप्स ऑफ एन इवेंट, द पर्सन इज गिविंग स्पॉन्सरशिप्स, क्या ये बिजनेस एक्सपेंस होगा? यस. क्या क्रेडिट मिलना चाहिए? यस. तो ऑर्गेनाइजेशन, एंसिलरी टू ऑर्गेनाइजेशन, एंसिलरी मतलब सिर्फ लेट्स सपोज लाइट की अरेंजमेंट करवा के देने की, साउंड की अरेंजमेंट, विच इज एंसिलरी टू इट, इन दैट केस प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी बी टू बी, एलओआर. बी टू सी, बी टू सी में कौन सी इवेंट्स हो सकती है? सर सबसे बेस्ट मैरिज फंक्शन करते ना बेटा, जिसके पास पैसे है वो इवेंट मैनेजर को रखेंगे, सब हाई क्लास चाहिए उनको. यस yes, तो देर शादी मुबारक, राइट? So there will be a event organizer supplying services to individuals also, to B2C also. Yes, in that case
वो लोग बोलते हैं कि यार अगर आपने इवेंट इंडिया में हेल्ड कर दिया है तो जहां पे इवेंट हेल्ड कर दिया है दैट इज अ प्लेस ऑफ सप्लाई, और अगर ये इवेंट बाहर हेल्ड किया है, बाहर, विराट कोहली, अनुष्का शर्मा, सर मैरिज इज आउटसाइड इंडिया, लेट सपोज दे आर द रेसिपिएंट्स, ओके, वी हैव अ सप्लायर एक्स लिमिटेड और इसको हायर किया गया है और बोला कि मैरिज का जो इवेंट है ना ये आउटसाइड इंडिया हेल्ड करना है। अब ये तो इसको चार्ज करेगा ना बेटा। अब ये मुझे बताओ, इवेंट अगर बाहर है और अगर मैं बोलूं प्लेस ऑफ सप्लाई बाहर हो गया, क्या ये एक्सपोर्ट हो गया क्या? नहीं यार, इस पे तो इंडिया पे जीएसटी लगना चाहिए यार, इंडिया में टैक्स लगना चाहिए। इवेंट भले ही बाहर होने दो, सप्लायर रेसिपिएंट दोनों इंडिया में है यार, इंडिया में टैक्स आना चाहिए। इन दैट केस वो लोग बोलते हैं इफ द इवेंट इज हेल्ड आउटसाइड इंडिया द प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट। इफ द लोकेशन ऑफ द वन हु इज पेइंग हिम इफ बिलोंग्स टू लेट सपोज महाराष्ट्र, इन दैट केस द प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी महाराष्ट्र, इवन दो इवेंट बाहर होने दो। सेक्शन 12 में इंपोर्ट एक्सपोर्ट का सोचना ही नहीं है, तो इवन दो द इवेंट इज हेल्ड आउटसाइड इंडिया, ऐसा मत बोलना कि सर इवेंट बाहर है तो ये तो इंडिया में टैक्स लगनी नहीं चाहिए। गवर्नमेंट क्या सोचता है? गवर्नमेंट ये सोचता है कि सप्लायर और रेसिपिएंट दोनों इंडिया में है, आपके पास पैसे ज्यादा है, आप इवेंट बाहर रख रहे हो, डजंट मैटर, टैक्स इंडिया में पे करो। सो इवन इफ द इवेंट इज हेल्ड आउटसाइड इंडिया द प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी LOR, पैसे चाहिए बेटा, पैसे चाहिए, सिंपल है। ओके, नाउ विजुअलाइज अ केस। सर विराट कोहली एंड अनुष्का शर्मा, दे माइट हैव थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ गेस्ट, हो सकता है सर एक ही इवेंट रखने के देर वॉन्ट सफाइस द रिक्वायरमेंट, दे वॉन्ट डिफरेंट इवेंट्स। एक हो सकता है महाराष्ट्र में हो जाए, एक हो सकता है दिल्ली में हो जाए, एक हो सकता है राजस्थान में हो जाए, दे वॉन्ट टू हैव डिफरेंट इवेंट्स पॉसिबल। अब उसने इवेंट ऑर्गेनाइजर को अपॉइंट किया और बोला कि यार देखो एक इवेंट जो है वो महाराष्ट्र में होगी, एक इवेंट जो है दिल्ली में होगी, एक इवेंट जो है राजस्थान में होगी, वैसे 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 करके, ठीक है। अब अमाउंट जो रहेगा वो कंसोलिडेटेड अमाउंट रहेगा, हो सकता है। सो ऑब्वियसली ना इवेंट ऑर्गेनाइजर ऐसे थोड़ी ना बोलेगा सर महाराष्ट्र के लिए आई माइट चार्ज 25 लाख, राजस्थान के लिए आई विल चार्ज 15 लाख, दिल्ली के लिए इतना, ऐसा जनरली तो नहीं रहेगा ना कॉन्ट्रैक्ट में डिवाइडेड। तो कॉन्ट्रैक्ट में एक कंसोलिडेटेड अमाउंट हो सकता है कि ये सारे इवेंट्स के लिए आई विल चार्ज 1 करोड़ रुपीज, पॉसिबल। इन दैट केस सर द इवेंट, इट इज अ बी टू सी सप्लाई सर, इट इज अ बी टू सी सप्लाई, इवेंट इज हेल्ड इन डिफरेंट स्टेट्स। इफ द इवेंट इज हेल्ड इन डिफरेंट स्टेट तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होना चाहिए? ईच स्टेट होना चाहिए, यस। बट सर इनवॉइस कंसोलिडेटेड अमाउंट हो गया तो सर ये केस में डिवाइड कैसे करेंगे? डिवाइड भी तो करना पड़ेगा बिकॉज सारे स्टेट में प्लेस ऑफ सप्लाई है, यस। समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूं बेटा? बी टू सी में इवेंट अगर डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में है बट अमाउंट एक ही है तो गवर्नमेंट बोलेगा अमाउंट एक ही है तो आप एक इनवॉइस चार्ज करोगे, ये गलत हो जाएगा, प्रैक्टिस गलत हो जाएगा बिकॉज द प्लेस ऑफ सप्लाई इज डिफरेंट। इन दैट केस यू हैव टू रेज 3 invoices जहां जहां पे इवेंट है वहां के लिए। इन दैट केस तो वो सर बाइफरकेट कैसे करेगा? तो वो बाइफरकेट करने के लिए वो लोग ने ये प्रोविजन बनाया हुआ है। Where the event is held in more than one state or UT and a consolidated amount is charged, in that case the place of supply will be if the value is separately identifiable as per contract. Best case scenario sir, contract में available है तो ठीक है वो proportion में कर दो, कोई issue नहीं। अगर contract में नहीं है तो government बोलता है हम आपको एक basis बताएंगे, हम आपको बोलेंगे कि आपको कौन से basis पे different different जगह के लिए invoice issue करनी है, वो rule 5 में mention किया हुआ है। आई होप गाइस अभी तक कुछ कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होता रहेगा। गाइस पहले कैसे करना है, नेचर ऑफ सर्विस क्या क्या हो सकता है यहां पे, 1 ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इवेंट, 2 एंसिलरी टू द ऑर्गेनाइजेशंस, एंड 3 स्पॉन्सरशिप्स ऑफ इवेंट। ये केस के लिए प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी बी टू बी बी टू सी, बी टू बी विल बी LOR, बी टू सी विल बी इफ द इवेंट इज इन इंडिया वेयर द इवेंट इज हेल्ड, इफ द इवेंट इज हेल्ड आउटसाइड इंडिया LOR। सर
अगर इंडिया में ही इवेंट है बट डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस में इवेंट है, डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में इवेंट है, अमाउंट एक ही चार्ज है, इन दैट केस वो लोग रूल 5 में प्रिस्क्राइब करेंगे कि आपको कैसे डिफरेंट इनवॉइस इश्यू करनी है। गाइस एक पॉइंट आप नोट करना, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इवेंट इज कवर्ड अंडर 12(7). एडमिशन टू एन इवेंट इज डिफरेंट। बहुत डिफरेंट है एडमिशन टू इवेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इवेंट। एडमिशन टू एन इवेंट का मतलब है, लेट सपोज मैं क्रिकेट मैच देखने गया, इवेंट हो रही है मैं वो देखने गया, एडमिशन टू एन, एंट्री फीस पे करूंगा, यस। सर एक कंसर्ट हो रहा है, अरिजीत सिंह का कंसर्ट है, मुझे वो सुनने जाना है, मैं एंट्री फीस पे करूंगा, यस। एडमिशन टू एन इवेंट दैट इज डिफरेंट फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एन इवेंट। सो 12(7) में क्या कवर किया हुआ है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एन इवेंट। डन। एडमिशन एंड एंसिलरी टू एडमिशन, मैं सिर्फ एडिशन आपको पॉइंट बोल दूं, इट इज बीइंग कवर्ड बाय 12(6). तो जब हम वो स्टेग्नेंसी प्रिंसिपल करेंगे तब इसको डील करेंगे। सिंपल सा चार्ट है, दोनों इंडिया में सेक्शन 12 अप्लाई करो सर। बी टू बी है LOR, बी टू सी है, बी टू सी है वेर द इवेंट इज हेल्ड, इफ इवेंट इज हेल्ड आउटसाइड इंडिया LOR, और सर मल्टीपल स्टेट्स में हो रही है प्रपोर्शन वाइज रूल 5। सिंपल। बिफोर लुकिंग एट दिस एग्जेम्पशन एग्जेम्पशन गाइस, लेट अस लुक एट द एग्जांपल्स। मेगा इवेंट एंड इवेंट मैनेजमेंट कंपनी एट न्यू दिल्ली ऑर्गेनाइजेस एन अवार्ड फंक्शन फॉर शार डायमंड मर्चेंट्स ऑफ अहमदाबाद रजिस्टर्ड इन गुजरात। सर बी टू बी है, बी टू बी, बी टू बी है तो LOR, बात खत्म, गुजरात। मेगा इवेंट्स एंड इवेंट मैनेजमेंट कंपनी एट न्यू दिल्ली ऑर्गेनाइजेस फॉर शार डायमंड मर्चेंट्स ऑफ अहमदाबाद रजिस्टर्ड एट मॉरिशियस। पैसे इंडिया में आना चाहिए, बी टू बी है, द प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी LOR, गुजरात, खत्म। ग्रांड वेडिंग प्लानर्स is hired by Mr. Ramesh, it's an unregistered person, मतलब B2C, to plan and organize his wedding. It is an organization of event B2C. Sir, B2C है तो where the event is held. Event कहाँ पे held है? At New Delhi. Place of supply will be New Delhi. Grand wedding planners is hired by Mr. Ramesh to plan and organize his wedding at Seychelles. Seychelles is South Africa, outside India. पैसे है, बाहर शादी करनी है, करो डेस्टिनेशन में करो, बट टैक्स इंडिया में पे करो, प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी LOR। और एक एडिशनल पॉइंट बोल दूं गाइस, अगर आप अगर कभी शादी कर रहे हो आउटसाइड इंडिया, डेस्टिनेशन बेस्ड वेडिंग कर रहे हो, यू कैन इनवाइट मी, आई विल श्योरली कम, श्योरली कम, ठीक है ना। तो सब भूल मत जाना गाइस, सीए बन गए आपने, शादी वादी बाहर करना है, आप बुला दो बेटा, इन्हें एक मैसेज भी कर दो कि मैं आ जाऊंगा। चलो, अ सर्कस टीम फ्रॉम रशिया, ओके, तो आई एम अवॉइडिंग दिस क्वेश्चन गाइस, यहां तक क्लियर अपने को। चलो अब एक एग्जेम्पशन को डील देखो। अब ये एग्जेम्पशन क्यों आया ये समझना, वी हैव एक्स लिमिटेड वाई लिमिटेड इवेंट मैनेजर्स, बोथ आर इन इंडिया। एक्स लिमिटेड ने वाई लिमिटेड को बोला कि यार मुझे ना एक बिजनेस एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज करना है आउटसाइड इंडिया, लेट सपोज इन दुबई, वो बोलते बिजनेस एग्जीबिशन करना है, तो उसके लिए वाई लिमिटेड को पैसे दे दिए। अच्छा, इट इज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इवेंट, बी टू बी है, यस, और बी टू बी है तो प्लेस ऑफ सप्लाई हैज टू बी LOR,
यस, तो कैन आई से इंडिया में टैक्स आना चाहिए? यस, बट गवर्नमेंट ने इसके रिलेटेड एक एग्जेम्पशन दिया हुआ है और बोलता है कि अगर 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 बिजनेस एग्जीबिशन, ओनली बिजनेस एग्जीबिशन, इफ द बिजनेस एग्जीबिशन इज हेल्ड आउटसाइड इंडिया एंड द इवेंट ऑर्गेनाइजर इज इन इंडिया, इन दैट केस द सर्विस इज एग्जेम्प्ट। फायदा दे दिया गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ने बोला ठीक है यार, बिजनेस एग्जीबिशन ही कर रहे हो ना बाहर, तो चलो ठीक है, हम इंडिया में टैक्स नहीं लगाएंगे। सो सर्विस बाय एन ऑर्गेनाइजर टू एनी पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ बिजनेस एग्जीबिशन, बहुत फोकस में रखना का इस वर्ड बिजनेस एग्जीबिशन, और कोई एग्जीबिशन को कवर नहीं किया, और कोई इवेंट को कवर नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ बिजनेस एग्जीबिशन को कवर किया, हेल्ड आउटसाइड इंडिया। सो दिस एग्जेम्पशन गाइस विल नॉट अप्लाई फॉर द मैरिज केस। मैरिज केस इज नॉट बिजनेस एग्जीबिशन, ठीक है? तो जाओगे वहां शादी करोगे तो बुलाना, चलो डन डन डील है बेटा अपना। सो वी हैव एन एग्जाम्पल फॉर दिस ऑल्सो, वेरी सिंपल। फुटवेयर एसोसिएशन ऑफ इंडिया इज ऑर्गेनाइजिंग अ बिजनेस एग्जीबिशन इन जर्मनी फॉर फुटवेयर मैन्युफैक्चरर्स ऑफ इंडिया। बेटा एग्जीबिशन, बिजनेस एग्जीबिशन कहां पे हो रहा है? जर्मनी में। एग्जाम में वो लोग मेंशन करेंगे ये बिजनेस एग्जीबिशन है। चलो, इस फुटवेयर एसोसिएशन रिक्वायर्ड टू पे एनी जीएसटी? नो, बिकॉज इट इज एग्जेम्प्ट। ये क्वेश्चन जब अपना 12-6 हो जाएगा उसके बाद ही हम कर पाएंगे, तो मैं इसको भी पेंडिंग में रखता हूं। चलो गाइस, नेक्स्ट क्या है गाइस अपने पास? सो गाइस, वी हैव अ बी टू सी टाइप ऑफ केस, ठीक है? रेसिपिएंट ने सप्लायर को बोला कि भाई 5 इवेंट ऑर्गेनाइज करने हैं, 3 महाराष्ट्र में, 2 राजस्थान में। अब रेसिपिएंट ने सप्लायर को बोला भाई 5 इवेंट के लिए, बी टू सी है, कितना लोगे? अब सप्लायर ने एक कंसोलिडेटेड प्राइस बोल दिया कि लेट सपोज आई विल टेक 20 लैक्स फॉर दिस 5 इवेंट्स, 20 लैक्स। रेसिपिएंट बोले क्या 20 लाख कैसे यार, इतना कैसे खर्चा हो जाएगा, मेरा तो 15 देने की कैपेसिटी है। तू बोल भाई, तेरे को 15 तू दे सकता है क्या? 15 में कर सकता है क्या? नहीं कर सकता है। तू नहीं कर सकता, कोई और है मेरे पास। सप्लायर ने बोल दिया ठीक है यार, 15 में कर दूंगा आपके लिए, सिर्फ आपके लिए मैं 15 में कर दूंगा। अच्छा, अब सप्लायर के माइंड में क्या चलेगा गाइस? देयर इज नाउ अ कंसोलिडेटेड अमाउंट बी टू सी। सर, बी टू सी केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी वेयर द इवेंट इज हेल्ड। तो कहना इसे महाराष्ट्र भी प्लेस ऑफ सप्लाई होगा और राजस्थान भी प्लेस ऑफ सप्लाई होगा। यस, बट सर उसने एक ही अमाउंट दे दिया 15 लाख का, तो सर हम कैसे डिवाइड करेंगे? तो मुझे बताओ ना, सप्लायर उसके माइंड में क्या चलेगा? उसको अगर 15 लाख मिला है फॉर 5 इवेंट्स, तो वो पर इवेंट कॉस्ट उसके माइंड में क्या रहेगा? पर इवेंट 3 लैक्स। तो वो महाराष्ट्र के लिए कितना कमा रहा है? 9। राजस्थान के लिए कितना कमा रहा है? 6। That is how he will record in the books of accounts. Yes. तो बोलते यार, आपके माइंड में जो चल रहा है ना कि महाराष्ट्र के लिए 9, राजस्थान के लिए 6, वैसे ही प्लेस ऑफ सप्लाई, वैसे ही वो अमाउंट्स डिवाइड होंगे और आपको 2 इनवॉइस बनाना पड़ेगा, एक महाराष्ट्र के लिए, एक राजस्थान के लिए। नाउ इफ यू आर अ सप्लायर इन महाराष्ट्र और आप महाराष्ट्र के लिए इनवॉइस बना रहे हो, तो आप इनवॉइस पे C+S चार्ज करोगे, और अगर आप राजस्थान के लिए इनवॉइस बना रहे हो तो आप IGST चार्ज करोगे। वेरी सिंपल। So we have rule 5 for this guys. Number याद रहेगा तो better है, ठीक है? In the absence of the contract or an agreement, the value will be determined in accordance with rule 5 with the application of generally accepted accounting principles. Gap is nothing but आपके mind में क्या चल रहा है वो basis पे आप invoice बना दो भाई, simple है। एंड इवेंट मैनेजमेंट कंपनी ई हैज टू ऑर्गेनाइज सम प्रमोशनल इवेंट्स इन स्टेट 1 एंड स्टेट 2 फॉर अ रेसिपिएंट आर। 3 इवेंट्स विल बी फॉर स्टेट 1 एंड 2 इवेंट्स विल बी फॉर स्टेट 2 एंड अ कंसोलिडेटेड इवेंट अमाउंट ऑफ 10 लाख रुपीज हैज बीन चार्ज्ड। वेरी सिंपल बेटा, 10 लाख को डिवाइड कैसे करेगा? विल बी 2 लाख पर इवेंट, मतलब स्टेट 1 के लिए इट विल बी 6 लाख, स्टेट 2 के लिए 4 लाख। बता दो, 2 इनवॉइस बना दो, खत्म। सो सिंपल, वेरी सिंपल।
चलो नेक्स्ट, चलो गाइस मैंने क्या किया हुआ है, एक अपना टेबल बनाया हुआ है यहां पे, वी हैव अ लोकेशन ऑफ द सप्लायर, लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट, जहां पे आर लिखा है मतलब ये रजिस्टर्ड पर्सन है, यू आर मतलब अनरजिस्टर्ड पर्सन है, और इवेंट कहां पे ऑर्गेनाइज करके देनी है वो मेंशन किया हुआ है। अच्छा पहले तो ये समझा दो यार बेटा, सेक्शन हम कौन सा अप्लाई करेंगे, 12 में जाएंगे या 13 में जाएंगे, ये हम कैसे डिटरमाइन करें? वी डोंट हैव टू लुक एट लोकेशन ऑफ इवेंट, हमें सिर्फ ये देखना है कि सप्लायर और रेसिपिएंट कहां पे है। अगर सप्लायर और रेसिपिएंट दे आर इन इंडिया, इन दैट केस यहां पे सेक्शन 12 अप्लाई करेंगे, और इसमें से एक भी बार है तो सेक्शन 13 अप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो मैंने यहां पे सारे सेक्शन 12 लिखे हुए और ये सेक्शन 13 है। अच्छा अब सेक्शन 12 में जब बात करेंगे तो 12 में 25789 B2B B2C करना है, तो सर यहां पे अब हम देखेंगे 127 क्या केस है ना बेटा, ये तो ये क्या B2B है, यस B2B है, देन प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी LOR, टैक्स कौन सा लगेगा C+S। सेकेंड केस में अगेन LOR मतलब प्लेस ऑफ सप्लाई गुजरात, प्लेस ऑफ सप्लाई गुजरात तो इनवॉइस पे IGST, और अगर बेटर रहेगा बेटा अगर आप सब सेक्शन के बाद नेचर ऑफ सप्लाई भी आप लिंक कर दो, तो ये सेक्शन 8(2) ऑफ IGST और ये सेक्शन 7(3) ऑफ IGST, अगेन अ रजिस्टर्ड पर्सन, इवेंट रहने दो US में, मैं आई एम एज्यूमिंग दिस इज नॉट अ बिजनेस एग्जीबिशन इवेंट, दिस इज नॉट अ बिजनेस एग्जीबिशन इवेंट, अगर बिजनेस एग्जीबिशन वाला केस नहीं है इन दैट केस इट इज टैक्सेबल LOR एंड प्लेस ऑफ द नेचर ऑफ सप्लाई विल बी इंट्रा स्टेट सप्लाई C+S। फोर्थ, नाउ अनरजिस्टर्ड पर्सन, अनरजिस्टर्ड पर्सन मतलब वेर द इवेंट इज हेल्ड, इफ द इवेंट इज हेल्ड इन मुंबई द प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी मुंबई C+S, यहां पे द प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी गुजरात IGST, और यहां पे अगर आपने बाहर शादी की है, बाहर शादी की है, प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी LOR C+S, और लास्ट केस अगर इवेंट मल्टीपल स्टेट्स में है देन प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी मुंबई गुजरात दिल्ली, तीनों लोकेशन रहेगा। अपोर्शनमेंट कैसे करना है, अगर कॉन्ट्रैक्ट में वो अमाउंट है तो वो बेसिस पे, अगर नहीं है देन एज पर जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल रूल 5। देन तीन इनवॉइस बनेंगे, फर्स्ट इनवॉइस के लिए C+S लगेगा, बाकी दो इनवॉइस के लिए IGST रहेगा। सो सिंपल। सेक्शन 13 अब नहीं करना है बेटा, 13 हमने पढ़ा ही नहीं अभी तक। डन, चल नेक्स्ट। गाइस कोई बोल सकता है क्या, सॉरी नेक्स्ट वी हैव स्पॉन्सरशिप ऑफ इवेंट्स। अच्छा स्पॉन्सरशिप ऑफ इवेंट्स अगेन सेम प्रिंसिपल गाइस, 12 में ही फॉलो रहे वो राइट, तो जो लास्ट टेबल हमने किया ना 12 के लिए सेम रहेगा, 13 के लिए प्रोविजन चेंज हो रहा है बट 13 की बात हम नहीं कर रहे हैं, तो सेक्शन 12 ये टेबल आप लास्ट टेबल जैसे किया वैसे ही कर लो। देन चार्ट दिखाने की जरूरत ही नहीं है गाइस, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, ये दोनों इंडिया में है सेक्शन 12, B2B है तो LOR, B2C है वेर द इवेंट इज हेल्ड, इफ द इवेंट इज हेल्ड आउटसाइड इंडिया जहां पे इवेंट LOR, और अगर मल्टीपल स्टेट्स में है तो प्रपोर्शन बेसिस। बोलो कौन सा गाइस, नेक्स्ट प्रोविजन कौन सा होगा अपना, बोलो नेक्स्ट प्रोविजन 12, 8। चलो नेक्स्ट इज प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स,
ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स इज इट अ जेन्युइन बिजनेस एक्सपेंस? यस सर, जेन्युइन बिजनेस एक्सपेंस रहेगा सर, मेरा गुड्स रहेगा, मुझे ट्रांसपोर्ट के लिए ट्रांसपोर्टर की हेल्प चाहिए रहेगी, तो ये जो एक्सपेंस है ये जेन्युइन बिजनेस एक्सपेंस है, मुझे क्रेडिट मिलना चाहिए, देयरफॉर बी टू बी में एल ओ आर, बी टू बी में एल ओ आर, बी टू सी में वेयर द गुड्स आर हैंडेड ओवर फॉर देयर ट्रांसपोर्टेशन। अगर लेट सपोज मुझे मेरा घर शिफ्ट करना है, मैंने एक ट्रक वाले को बोला भाई मेरा घर का सामान शिफ्ट करना है, होता ना पैकर्स मूवर्स टाइप्स, यस। अब आई स्टे लेट सपोज इन महाराष्ट्र, लेट सपोज आई एम शिफ्टिंग माय हाउस टू एमपी, मैंने बोला भाई घर का सामान महाराष्ट्र से एमपी में लेके जाना है, तो मैं उसे कहां पे हैंड ओवर कर रहा हूं? महाराष्ट्र में, प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी महाराष्ट्र, जहां पे आपने गुड्स दिए वो। अच्छा, ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स गाइस, बेसिक फर्स्ट अपना विजुअलाइजेशन क्या चलता है कि कैसे गुड्स ट्रांसपोर्ट होते रहेंगे सर? ट्रक से, दैट इज द फर्स्ट विजुअलाइजेशन। अच्छा, और ट्रक की जब मैं बात करूं, मैं जीटीए की जब बात करूं, तो आपके माइंड में चलेगा सर आरसीएम का केस भी तो हो सकता है, यस पॉसिबल है, चलो ना केस आरसीएम का ही लेते हैं। आई हैव अ फैक्ट्री इन महाराष्ट्र, मुझे गुड्स यहां से एमपी भेजना है, मैंने एमपी के ट्रांसपोर्टर को कॉल किया, मैंने बोला भाई यहां से गुड्स, महाराष्ट्र से गुड्स एमपी लेके जाना है, उसने मुझे बोला सर मेरा एक ट्रक जो है ना वो वहां पे महाराष्ट्र में ही है, आप बोलो जो भिजवा दूं, मैंने बोला भिजवा दे, मैंने माल भिजवा दिया एमपी में। अब वो ट्रांसपोर्टर मेरे को बिल रेस करेगा, अब आई हैव अ फैक्ट्री, लेट सपोज आई एम अ जीएसटी रजिस्टर्ड पर्सन, लेट सपोज, तो ये केस में मेरे को आरसीएम में टैक्स आएगा, यस। वो जो सप्लायर है उसने इनवॉइस पे जीएसटी चार्ज नहीं किया, मतलब आरसीएम का केस बन गया, तो अब मैं आरसीएम में कैसे टैक्स पे करूंगा? मैं क्या देखूंगा, सप्लायर कहां पे है? सप्लायर एमपी में, प्लेस ऑफ सप्लाई कहां पे हो गया? महाराष्ट्र, देयरफॉर इट्स अ आईजीएसटी केस, मैं रिवर्स चार्ज में आईजीएसटी पे करूंगा, वेरी सिंपल, सिंपल ना बेटा, रिवर्स चार्ज में भी तो आईजीएसटी पे हो सकता है, यस, ओके। नेक्स्ट, कैन आई से रेलवे में भी गुड्स ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं? यस। वेसल से भी, एयरवे से भी, यस। यहां पे जब आप विजुअलाइज कर रहे हो बेटा, तो फर्स्ट विजुअलाइजेशन ट्रक में चलेगा, बट यहां पे सिर्फ ट्रक को कवर नहीं किया, इट कैन बी एनी वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, मतलब रेलवे, एयरवे, सब वेसल, वाटरवे, सब कवर हो जाएंगे बेटा यहां पे, डन। चलो, द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स इंक्लूडिंग बाय मेल और कुरियर, तो अगर मैंने मेल या कुरियर के थ्रू भी भिजवा दिया तो भी कवर हो जाएगा, अगर बी टू बी का केस है तो एल ओ आर, बी टू सी का केस है तो वेयर द गुड्स आर हैंडेड ओवर फॉर द ट्रांसपोर्टेशन, वेरी सिंपल। लेट्स लुक एट सम एग्जांपल्स गाइस, पहले मेसर्स एक्स वाई जेड लिमिटेड अ रजिस्टर्ड कंपनी, अंडरलाइन रजिस्टर्ड कंपनी, इट सेंड्स इट्स कुरियर टू पुणे थ्रू ब्रूस एयर कुरियर सर्विस, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी एल ओ आर, न्यू दिल्ली। सेकेंड, पी आर प्राइवेट लिमिटेड, अ गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी बेस्ड इन कानपुर यूपी, इज हायर्ड बाई हजेला एंटरप्राइजेस, रजिस्टर्ड सप्लायर इन कानपुर, टू ट्रांसपोर्ट इट्स कंसाइनमेंट ऑफ गुड्स टू अ बायर इन न्यू दिल्ली, डजंट मैटर बेटा, प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी एल ओ आर, कानपुर। मिस्टर श्रीकांत, अ मैनेजर इन अ बैंक हैज ट्रांसफर्ड फ्रॉम यूपी टू एमपी, मिस्टर श्रीकांत फैमिली इज स्टेशन इन यूपी, ही हायर्स गोयल कैरियर्स ऑफ यूपी टू ट्रांसपोर्ट इट्स आउटसोर्स गुड्स फ्रॉम कानपुर टू भोपाल, तो सर उसने गुड्स कहां पे, ये बी टू सी है, उसने गुड्स कहां पे हैंड ओवर किए हैं? इन यूपी, देयरफॉर द प्लेस ऑफ सप्लाई इज यूपी। नेक्स्ट, एबीसी गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी लोकेटेड इन दिल्ली प्रोवाइड सर्विसेज टू पीक्यूआर रजिस्टर्ड इन गुड़गांव, अ कंसाइनमेंट ऑफ न्यू मोटरसाइकिल फ्रॉम द फैक्ट्री ऑफ पीक्यूआर इस इन गुड़गांव हरियाणा इज ट्रांसपोर्टेड टू इट्स डेपो इन भोपाल एमपी, बी टू बी का केस है सर ये, बी टू बी, प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी एल ओ आर, पीक्यूआर की फैक्ट्री सर कहां पे है? रजिस्टर्ड इन गुड़गांव, देयरफॉर प्लेस ऑफ सप्लाई इज गुड़गांव।
मिस्टर एक्स ऑफ जयपुर एज अवेल सर्विस ऑफ दिल्ली ट्रांसपोर्ट कंपनी टू ट्रांसपोर्ट इट्स गुड्स फ्रॉम हिज हाउस इन बिलवारा टू दिल्ली, मतलब राजस्थान टू दिल्ली, प्लेस ऑफ सप्लाई राजस्थान, सिंपल. वाई अनरजिस्टर्ड पर्सन ऑफ न्यू दिल्ली सेंड्स अ कुरियर टू हिज ब्रदर इन अमृतसर. सर कहां पे हैंड ओवर किए रहेंगे? न्यू दिल्ली में, प्लेस ऑफ सप्लाई न्यू दिल्ली. वेरी वेरी सिंपल. लेट्स लुक एट अ केस गाइस. और सारा कंसेप्ट्स गाइस अभी तक के मैं आपको चेक करूंगा कि आपको आ रहे नहीं आ रहे. अच्छे से विजुलाइज करना गाइस. वी हैव एन एक्सपोर्टर इन इंडिया, उसको गुड्स यहां से यूएस भेजना है. अच्छा, उसको यहां से यूएस भेजना है तो वो एक वेसल ओनर को पकड़ेगा गाइस. वी हैव अ वेसल ओनर हु इज इन इंडिया. This person is a supplier. This person is a recipient. और goods जा रहे हैं इंडिया के बाहर. Goods जा रहे हैं इंडिया के बाहर. Supplier कहां पे है? इंडिया. Recipient कहां पे है? इंडिया. Therefore, place of supply कौन से section से निकलेगा सर? 12-8. 12-8 में सर हम first बोलते हैं B2B. Is it a case of B2B? Yes, sir. B2B का case है. And because it is a case of B2B, place of supply is LOR. And let's just visualize, guys. ये जो है बंदा, ये MP का है. ये बंदा जो है वो महाराष्ट्र का है. Visualize करो ना यार. तो सर, place of supply MP रहेगा. Yes. अच्छा. गुड्स कहां पे जा रहा है? गुड्स तो सर इंडिया के बाहर जा रहा है. और सर गुड्स अगर इंडिया के बाहर जा रहा है तो क्या इंडिया में उसके रिलेटेड टैक्स लगना चाहिए क्या? गुड्स गए इंडिया के बाहर, गुड्स गए इंडिया के बाहर, उसका कंजम्पशन हुआ इंडिया के बाहर, उसके रिलेटेड ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट, उस पर क्या जीएसटी इंडिया में लगना चाहिए क्या? नहीं. गवर्नमेंट का बेसिक प्रिंसिपल क्या होता है गाइस? यू ओनली हैव टू एक्सपोर्ट द गुड्स एंड सर्विस, यू डू नॉट हैव टू एक्सपोर्ट टैक्सेस. अगर मैं बोलूं बेटा यहां पे इस पे जैसे टैक्स आएगा, अगर टैक्स आ जाएगा तो कहना इसे इस ये जो टैक्स है दैट विल इंक्रीज द प्राइस ऑफ द गुड्स. यस. और अगर गुड्स का प्राइस इंक्रीज हो गया एक्सपोर्ट में तो बेटा अपना एक्सपोर्ट नहीं होगा ना इतना. और अगर अपना इतना एक्सपोर्ट नहीं होगा बिकॉज ऑफ हायर प्राइसिंग, इन दैट केस गवर्नमेंट को फॉरन एक्सचेंज रिजर्व नहीं मिलेंगे. तो गवर्नमेंट को फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स के लिए वो लोग क्या बोलेंगे कि अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हो तो सिर्फ और सिर्फ वो गुड्स या सर्विस एक्सपोर्ट होना चाहिए, उसके रिलेटेड टैक्सेस एक्सपोर्ट करने की जरूरत नहीं है. दैट इज अ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ लॉ गाइस. तो अब सर इस पर टैक्स नहीं लगना चाहिए तो इसके रिलेटेड गवर्नमेंट ने क्या किया है? सर क्या किया गवर्नमेंट ने? तो गवर्नमेंट ने क्या किया बेटा, देखो देखो. Provided that where the transport of goods is to a place outside India, the place of supply shall be the place of destination of the goods. क्या बोल दिया place of supply? Sir, अगर goods India के बाहर जा रहा है तो place of supply India में नहीं रहेगा, place of supply will be destination of the goods. तो बताओ यहां पे ये example में क्या impact होगा इसका? Sir, place of supply now. It will not be MP, sir. Place of supply will be USA. और थोड़ा सा फर्दर बोलो बेटा, सप्लायर कहां पे है? सप्लायर महाराष्ट्र में. सर रेसिपिएंट कहां पे है? MP में. Place of supply US हो गया. बोल दो बेटा क्या ये एक्सपोर्ट का केस बन गया? Is it export of service? वो गवर्नमेंट का इंटेंशन है बेटा, गुड्स अगर इंडिया के बाहर जाते तो उसके लिए टैक्सेस का भी इंडिया में टैक्स नहीं लगना चाहिए बेटा, उसके लिए टैक्स इंडिया में नहीं लगना चाहिए. तो गवर्नमेंट ने प्लेस ऑफ सप्लाई अब बोल दिया यूएस, तो क्या इंडिया में इस पे टैक्स आएगा? अच्छा सोचो बेटा सोचो, व्हाट इज द नेचर ऑफ सप्लाई? फर्स्ट थिंग फ्रॉम दिस पर्सपेक्टिव, व्हाट इज द नेचर ऑफ सप्लाई?
7172 तो नहीं है, 73, क्या ये 73 में फॉल होगा? क्या ये 73 में फॉल होगा? नहीं सर। क्या ये 74 का केस बनेगा? 74 इज इंपोर्ट ऑफ सर्विस। नो सर, ये इंपोर्ट ऑफ सर्विस का केस ही नहीं है। 75A, 75A में सर सप्लायर हैज टू बी इन इंडिया, प्लेस ऑफ सप्लाई हैज टू बी आउटसाइड इंडिया, 75A का केस बनेगा? यस सर। उसके वजह से क्या आईजीएसटी आ जाएगा? यस सर। बट दिस शुड बी एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस सर। यस, बट ये एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों नहीं है एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस? बिकॉज एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस के बेटा पांच कंडीशन होते हैं। पांच कंडीशन विजुअलाइज करो। पांच कंडीशन, सप्लायर हैज टू बी इन इंडिया, प्लेस ऑफ सप्लाई हैज टू बी आउटसाइड इंडिया, रेसिपिएंट हैज टू बी आउटसाइड इंडिया। पैसे 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 कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज में आना चाहिए और हेड ऑफिस ब्रांच नहीं है। अगर ये पांच कंडीशन फुलफिल होती है तो ये एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस है। यहां पे सप्लायर एंड रेसिपिएंट आर बोथ आर इन इंडिया, बोथ आर इन इंडिया, तो एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट हो ही नहीं सकता। पॉसिबिलिटी नहीं है बेटा, खत्म। एक्सपोर्ट नहीं है। और सर एक्सपोर्ट नहीं है, 75A का केस बन गया, मतलब सर अब इस पे टैक्स आएगा। और टैक्स आएगा मतलब जो पर्पस से वो प्रोविजो डाला था, कैन आई से दैट पूरा पर्पस ही निकल गया। इट बिकम रिडंडेंट बेटा, वो पर्पस जो था ना यूजलेस हो गया बेटा वो पर्पस। गवर्नमेंट की पूरी मेहनत बेकार गई। और मैं क्यों बोला पूरी मेहनत? बिकॉज ये आईजीएसटी एक्ट में वो लोग ने जो अमेंडमेंट किया रहेगा पूरी बेकार। लाइक यू। तो समझो गाइस, गवर्नमेंट ने जब ये चेंज किया ना, उसके बाद उसको रियलाइज हुआ। लेट बत्ती चली बेटा, लेट बत्ती चली। उसके बाद उसको रियलाइज हुआ कि यार ये प्रोवाइजो डालने से, ये प्रोवाइजो डालने से कोई ज्यादा इंपैक्ट नहीं हो गया। इंस्टेड ऑफ सी प्लस एस अब आईजीएसटी लग जाएगा। अपने को क्या करना था? अपने को बोलना था कि ये सर्विस पे टैक्स नहीं आना चाहिए जब गुड्स इंडिया के बाहर कोई लेके जा रहा है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, सब्सिक्वेंटली इसके रिलेटेड एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन इश्यू कर दिया और बोल दिया कि अगर कोई वेसल या एयरक्राफ्ट, अगर कोई वेसल या एयरक्राफ्ट से इंडिया से गुड्स बाहर लेके जा रहा है तो उस पर टैक्स नहीं आएगा। दैट सर्विस इज एग्जेम्प्ट सर्विस। मैंने ये लिख दिया, दिस प्रोविजो डजंट मेक एनी सेंस, अल्टीमेटली दिस सर्विस इज एग्जेम्प्टेड। और अभी जो हमने गाइस डिस्कस किया, मैंने चार्ट दिया हुआ है यहां पे, वी हैव द सप्लायर एंड द रेसिपिएंट बोथ आर इन इंडिया, गुड्स आर गोइंग आउटसाइड इंडिया, place of supply US because of this proviso, it will be interstate supply 75A but it will not be export and because it is not export so tax aa jata tha but it has been exempted। aur iske liye ek analysis bhi diya hua hai guys, do read this analysis। aur logical baat hai beta, agar kabhi goods import ho gaye, अगर कभी गुड्स इंपोर्ट हो गए तो उसका डेस्टिनेशन इंडिया है तो प्लेस ऑफ सप्लाई इंडिया होना चाहिए, इंडिया पे टैक्स आना चाहिए। तो इंपोर्ट फ्रेट विल बी टैक्सेबल, एक्सपोर्ट फ्रेट इट हैज बीन एग्जेम्प्टेड। और यहां पे हमने जो डिस्कस किया ये सिर्फ शिपिंग कंपनी के रिलेटेड किया है, बट द सेम एग्जेम्प्शन इज देयर फॉर एयरक्राफ्ट ऑल्सो। तो बाई वेसल या एयरक्राफ्ट, आप दोनों में से कैसे भी रूट में आप लेके जाओ बेटा, इंडिया के बाहर गुड्स जाएंगे तो उसके ट्रांसपोर्ट की सर्विस एग्जेम्प्ट है। चलो डन। नेक्स्ट बोलो, नेक्स्ट कौन सा आएगा? 2578 हो गया, 2578 हो गया। नेक्स्ट कौन सा आएगा? 12.9 ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर। सर ज्यादातर तो सर
बी टू सी रहता है इसमें, यस। बट क्या बी टू बी भी तो रहता है? यस। विजुलाइज करो यार, यू गॉट एन ऑडिट इन गुजरात, वहां पे स्टॉक ऑडिट करने जाना है। आपने बोल दिया कि क्लाइंट ने बोल दिया कि रेलवे की बुकिंग कर दो, मेरे से रिम्बर्स ले लेना। तो आपने क्या किया, आपने टिकट बुक कर ली, टिकट बुक कर ली, ये क्या बी टू बी रहेगा? यस। तो देर आर बी टू बी ऑल्सो सर्विस, यस। और उसको क्रेडिट मिलना चाहिए क्या? यस। अगर बिजनेस पर्पस के लिए अगर मैं ट्रैवल कर रहा हूं तो मुझे क्या क्रेडिट मिलना चाहिए? यस। तो लोग बोलते हैं कि ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर इज ऑल्सो अ जेन्युइन बिजनेस सर्विस जिसका क्रेडिट मिलना चाहिए, और क्रेडिट मिलना चाहिए। देयरफॉर इट हैज टू बी बी टू बी बी टू सी, बी टू सी एल ओ आर, बी टू सी इज बी टू सी के लिए सोचना पड़ेगा, बी टू सी के लिए सोचना पड़ेगा। अच्छा, और ऐसे सोचो बेटा, अगर एक बंदा मुंबई से दिल्ली जा रहा है, अगर एक बंदा मुंबई से दिल्ली जा रहा है तो उसका रेवेन्यू किसको मिलना चाहिए? जहां पे वो बंदा गया या जहां से वो बंदा गया? लॉजिकल है, ऐसे सोचना बेटा। जनरली हम बोलते हैं इट्स अ कंजम्पशन डेस्टिनेशन बेस्ड प्रिंसिपल, बट ये पर्टिकुलर ये सर्विस के लिए ऐसे सोचना, उसने सर्विस कहां से कहां पे कंज्यूम की यार? सर वो मुंबई से निकला तो ही तो वहां पे पहुंच पाया, मुंबई से निकला तो ही तो वहां पे पहुंच पाया। इसका रेवेन्यू किसको मिलना चाहिए? पैसेंजर रिलेटेड की बात कर रहा हूं, तो पैसेंजर रिलेटेड भाई, जहां पे ये बंदा निकला ना, जो स्टेट से ये बंदा निकला वो स्टेट को रेवेन्यू मिलना चाहिए। तो प्लेस ऑफ सप्लाई के लिए वो लोग बोलते हैं प्लेस वेयर द पैसेंजर एम्बार्क्स ऑन द कन्वेयंस फॉर अ कंटिन्यूअस जर्नी। जहां पे वो बोर्ड करेगा ना, वहां पे वो स्टेट को रेवेन्यू मिलना चाहिए। बी टू बी का केस है तो टेंशन नहीं है, एलओ आर। यहां पे मेरे को ये नहीं सोचना है कि कौन से स्टेट को रेवेन्यू देना है, बिकॉज अदर पर्सन इज टेकिंग क्रेडिट ऑफ इट। हमें पर्पस ये है कि उसको क्रेडिट देना है, दैट इज वाई एलओ आर। बी टू सी के लिए किस स्टेट को रेवेन्यू मिलना चाहिए, देयरफॉर वो स्टेट को रेवेन्यू मिलना चाहिए जहां पे बंदा एम्बार्क कर रहा है। ओके, फॉर अ कंटिन्यूअस जर्नी। सर व्हाट इज अ कंटिन्यूअस जर्नी? अच्छा, मेनी अ टाइम्स गाइस ऐसा होता रहेगा कि लेट सपोज आप ऑफिस में हो, आपको घर से कॉल आ गया कि भाई तू ना ये चीज लेके आना। बहुत बार होता है सर, ऑलमोस्ट एवरीडे ऐसा होता है, कुछ ना कुछ मेरे को लेके आना होता है। नाउ लेट सपोज मैं ऑफिस से निकला, मैंने टैक्सी बुक की और मैं टैक्सी वाले को बोला भाई 2 मिनट यहां पे रुकना है, ठीक है, एक सामान ले लूंगा फिर आपको चलना है। तो मैंने स्टार्ट किया जर्नी गाइस, उसको रुकाया, मैंने अपना काम खत्म किया, वापस गया। दिस इज अ कंटिन्यूअस जर्नी। तो कंटिन्यूअस जर्नी के लिए वो लोग बोलते हैं कि अगर उसका भी एक डेफिनेशन दिया हुआ है गाइस, नॉट दैट मच रेलेवेंट। कंटिन्यूअस जर्नी के लिए बोलते हैं आइदर इट कैन बी अ सिंगल इनवॉइस हैज बीन इश्यूड, सिंगल टिकट हैज बीन इश्यूड, या फिर एक से ज्यादा टिकट इश्यू किया है, बट इन अ वे देयर इज नो स्टॉप ओवर इन बिटवीन। ऐसा नहीं है मैंने वो टैक्सी वाले को रुका दिया, मैंने बोला अभी तक के कितने हो गए, ये लो पैसे मैं दूसरी टैक्सी बुक कर लूंगा, दैट इज अ स्टॉप ओवर। ऐसा कोई स्टॉप ओवर नहीं है। मेनी टाइम्स इफ यू आर लेट सपोज ट्रेवलिंग टू दिल्ली, बट यू आर इन अ फ्लाइट वेर इट गोज फर्स्ट टू राजस्थान और राजस्थान से दिल्ली जाएगा, और फ्लाइट से आपको डिसएम्बार्क नहीं करना है, वो फ्लाइट में बैठे रहना है, इन दैट केस इट इज अ कंटिन्यूअस जर्नी। बट हाँ, अगर आपको फ्लाइट से निकलना है, दूसरी फ्लाइट पकड़नी है, मतलब एक स्टॉप ओवर हो गया, मतलब ये कंटिन्यूअस जर्नी नहीं हो गई, फिर आपकी दो जर्नी मानी जाएगी, मुंबई टू राजस्थान, राजस्थान टू दिल्ली। यहां तक क्लियर है ना? अच्छा, ये बात, ये जो पॉइंट है ना बेटा, ये बी टू बी के केस में नहीं आएगा, बी टू बी के केस में नहीं आएगा, बी टू बी के केस में एलओ आर। बी टू सी में अपने को ये सब सोचना है। डन सर। सर बी टू सी के केस में, चलो पहले बी टू बी बोलो सर, पहले बी टू बी बोलो, ठीक है, यू आर अ चार्टर्ड अकाउंटेंट इन मुंबई, आपको यहां से दिल्ली जाना है और दिल्ली से रिटर्न आना है, आपने टिकट बुक की, रिटर्न टिकट बुक की, विल इट मेक एनी डिफरेंस?
नो सर, इट वोंट मेक एनी डिफरेंस बिकॉज बी टू बी का केस है, बी टू बी है तो एलओआर खत्म। सर बी टू सी का केस हो गया, बी टू सी का केस, उसमें आपने रिटर्न टिकट बुक की। सर ये तो ऐसे बोलते ना, वेयर द पैसेंजर एम्बार्क्स, तो पहले मैं मुंबई में एम्बार्क किया, फिर मैंने दिल्ली में एम्बार्क किया, तो क्या सर प्लेस ऑफ सप्लाई भी दो रहेगा या प्लेस ऑफ सप्लाई एक ही रहेगा? और हो सकता है रिटर्न टिकट एक ही इनवॉइस में आ जाए, तो कोई ऐसे बोल सकता है कंटिन्यूअस जर्नी हो गई? वो लोग बोलते हैं नहीं, ऐसा कंटिन्यूअस जर्नी नहीं होगा, अगर रिटर्न टिकट है ना उसे सेपरेट जर्नी मानी जाएगी, इवन दो टिकट एक ही है, तो रिटर्न जर्नी विल बी ट्रीटेड एज अ सेपरेट जर्नी, इवन इफ द राइट टू पैसेज फॉर ऑनवर्ड एंड रिटर्न जर्नी इज इश्यूड एट द सेम टाइम। तो अगर एक ही टिकट, एक ही टाइम पे टिकट आपने बुक किया है, एक ही इनवॉइस इश्यू किया है, इवन दो रिटर्न जर्नी विल बी अ सेपरेट जर्नी, और लॉजिकल है, क्यों लॉजिकल है बी टू सी के केस में? तो यार इतनी मेहनत करने के बाद तो लॉजिक बोलो यार, बिकॉज सर यहां पे हमें यह देखना है कि किस स्टेट को रेवेन्यू मिलना चाहिए, और अगर आपने एम्बार्क मुंबई और दिल्ली दोनों स्टेट में किया है तो दोनों स्टेट को उसका एप्रोप्रिएट रेवेन्यू मिलना चाहिए। वो ना यार, चलो नेक्स्ट। सर रेलवे के केस में कभी कभी ऐसा भी तो हो सकता है कि मैंने मंथली पास करवा लिया, मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली, मैंने पास करवा लिया, और सर पास करवा लिया, लेट सपोज मैंने मुंबई टू गुजरात, मुंबई टू गुजरात इसका पास करवा लिया सर। अब इसका पास करवा लिया तो आप एम्बार्क तो कहीं पे भी हो सकते हो ना, मुंबई में भी हो सकते हो, गुजरात में भी हो सकते हो, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा ये केस में? तो लोग बोलते इन इन दैट केस, इन दैट केस provided that where the right to passage is given for future use and the point of embarkation is not known at the time of right time of issue of right to passage। अगर आपने एक कभी monthly pass करवाया for future use, monthly pass करवा दिया जहां पे आपको point of embarkation अभी आपको पता नहीं है, in that case the place of supply will be determined in accordance with the provision of 12-2, मतलब जनरल रूल अप्लाई होगा। जनरल रूल, जनरल रूल क्या था सर? बी टू बी का केस है तो एलओआर, बी टू सी का केस है तो सर इफ द एड्रेस ऑन रिकॉर्ड एग्जिस्ट तो वो एड्रेस, और अगर एड्रेस ऑन रिकॉर्ड डज नॉट एग्जिस्ट देन लोकेशन ऑफ सप्लायर। सर इसमें थोड़ा कंफ्यूज हो रहा है, और एक एग्जांपल दो। लेट सपोज आपको इंडिगो एयरलाइंस आपको एक लीफलेट दे रहा है, और वो लीफलेट में वो लोग बोल रहे हैं कि यू कैन यूज इट फॉर 5 times, और 5 times इंडिया से आप कोई भी सिटी से, कोई भी सिटी में एयरक्राफ्ट में जा सकते हो, उसके लिए हम आपको कोई चार्ज नहीं करेंगे। 5 डोमेस्टिक टिकट फ्री, या लीफलेट के लिए जो प्राइस रहेगा वो लीफलेट के लिए प्राइस है, तो ये लीफलेट अगर आप परचेस कर दो उसमें आपको 5 domestic tickets कहीं से भी कहीं पे भी जाना है, फ्रॉम कश्मीर टू कन्याकुमारी, फ्रॉम यहां से वेस्ट, मुंबई से वेस्ट बंगाल, कहीं से भी कहीं पे भी जाना है यार, उसमें कोई इश्यू नहीं है आपको। अब ये केस में कैन आई से देयर इज अ राइट ऑफ पैसेज विच इज गिवन फॉर फ्यूचर यूज? यस। पॉइंट ऑफ एम्बार्केशन अभी तो पता नहीं है, जब लीफलेट दिया तभी पता नहीं है वो कहां से कहां पे जाने वाला है। इन दैट केस प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा एज पर जनरल? तो गाइस यहां तक के लिए अभी तक सिंप्लीफाई करो यार, मेरे को लग रहा है आप बहुत कंफ्यूज हो रहे हो, यहां तक सिंप्लीफाई करो। ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर के केस में अगर बी टू बी का केस हुआ, एलओआर मैटर एंड्स, एलओआर मैटर एंड्स। अगर बी टू सी का केस हुआ तो सर जहां पे वो एम्बार्क कर रहा है वो स्टेट, अगर रिटर्न टिकट है, रिटर्न टिकट, तो दो एम्बार्केशन हो गया, तो दो एम्बार्केशन प्लेस ऑफ सप्लाई होगा। और सर अगर कभी राइट ऑफ पैसेज, राइट टू पैसेज इज गिवन फॉर फ्यूचर यूज, जहां पे पॉइंट ऑफ एम्बार्केशन पता नहीं है,
जनरल रूल विल अप्लाई 12-2। डन, क्लियर विथ 12-9 ऑल्सो गाइस? तो जल्दी से आ जाओ एग्जांपल्स पे गाइस। मिस्टर अमर रजिस्टर्ड पर्सन इन न्यू दिल्ली, रजिस्टर्ड पर्सन, ट्रैवल फ्रॉम मुंबई टू बेंगलोर इन एयरजेट फ्लाइट। मेरे हिसाब से इसके आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी न्यू दिल्ली। डन, मिस्टर सी अनरजिस्टर्ड पर्सन, सर आगे पढ़ना पड़ेगा अभी, हैज कम टू दिल्ली ऑन अ वेकेशन, आ जाओ आ जाओ। He buys prepaid Delhi Metro card from Delhi for hassle-free commute in NCR region. Sir, यहाँ पे उसका embarkation कहाँ पे होगा ये हमें पता नहीं है, because it is a right to passage given for future use. In that case, place of supply कैसे determine करेंगे? As per 12-2. Sir, 12-2 B2C का case है, तो address on record exist? If yes, then Chennai. If the address on record does not exist, then the location of supplier. Mr. A, partner of ABC Chartered Accountant, a firm registered in New Delhi. मुझे पता है आप आगे नहीं पढ़ने वाले हो, मुझे पता है। A registered firm in Delhi went to Mumbai for audit purpose. He purchased from Jaipur Airlines aircraft from Jaipur to Mumbai. Disclosing the name of the organization and its GST registration number. Sir, khatam, baat khatam. Place of supply. Wo Jaipur se Mumbai ja raha hai na, sir. Place of supply will be Delhi. What would be your answer in case he does not disclose the name of the particulars of the organization? So sir, airline wale ko kaise pata chalega? B2B hai, nahi pata chalega. To wo kya manenge? B2C manenge? B2C manenge. To sir, embark kahan pe kiya usne? Jaipur mein. Place of supply will be Jaipur. Very simple. Padho ya kar loge? Sir, padho sir. Okay. Mr. Shyam, an unregistered person based in Gurugram, Haryana, books a two-way air journey ticket. Confuse mat hona, B2C ka case hai, B2C. Okay, sir. From New Delhi to Mumbai. He leaves New Delhi on 10th December in a late night flight, lands in Mumbai the next day. He leaves Mumbai on 14th December in a morning flight and lands in New Delhi in the same day. Chalega, B2C ka case hai, do place of embarkation hoga yahan pe. First ke liye New Delhi, second ke liye Mumbai. Guys, where the passenger embarks. चलो तो by this guys अपने पांच provisions हो गए, 12-2, 12-5, 7-8-9. एक बार for me जल्दी से आप बोलते जाना guys. 12-2 जनरल प्रिंसिपल, देन 12-5 ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल सर्विस, देन 12-7 ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एन इवेंट, वेरी गुड, 12-8 ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स, 12-9 ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर। क्विकली गाइस, 12-7 ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इवेंट, 12-8 ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स, 12-5 ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल, वेरी गुड, 12-2 जनरल रूल, 12-9 ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर, 12-9 ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इवेंट, 12-7 ट्रेनिंग परफॉर्मेंस अप्रेजल, 12-5 जनरल रूल, 12-2 ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स, 12-8। तो ये पांच प्रोविजन गाइस, आई होप यू आर
कंफर्टेबल विद दिस फाइव प्रोविजंस। अगर ये पांच हो गए तो नेक्स्ट जो 3, 4, 6, 10 है वो तो बहुत सिंपल रहेंगे गाइस। चल थैंक यू गाइस।